मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? हाँ जी, सोनिया मित्रा। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में रमेश नगर। कितने साल का है आपका बच्चा? मेरा 12 इयर्स और 8 इयर्स। मैम क्या देख रहे थे आप अपने बच्चों के लिए? स्कूलिंग का मतलब ये कि थोड़े क्वालिफाइड टीचर्स हों, कुछ स्कूल में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। ये सिर्फ ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को पढ़ाई पे ही किया जाए, एक्टिविटीज़ और भी होनी चाहिए और प्लेग्राउंड अच्छा हो। मैम कौन कौन से स्कूल्स आपने कंसीडर किए थे अपने बच्चों के लिए? तो एक तो मेन DPS थोड़ा बहुत पुराना स्कूल है, थोड़ा उसके बारे में पता भी था। वो था एक नोएडा में ही फादर एंजल स्कूल है और इंदिरापुरम मॉडल स्कूल है। और ये कहाँ पर है? ये भी इंदिरापुरम में है और गाजियाबाद, मतलब उधर ही नोएडा के साथ ही। गाजियाबाद में आपने कौन सा स्कूल? नहीं, गाजियाबाद इंदिरापुरम। ओके मैम, DPS आपने कौन सा कंसीडर किया था? DPS वही नोएडा वाला ही, क्योंकि थोड़ा वो नियरेस्ट था। मैम कौन सा स्कूल आपने फाइनली चूज़ किया इन स्कूलों में से और क्यों? DPS ही चूज़ किया था एक्चुअली। इंदिरापुरम मॉडल स्कूल वो तब अभी नया एस्टेब्लिश हुआ था और फादर एंजल स्कूल है, उसका प्लेग्राउंड इतना बड़ा नहीं था। और DPS का टीचर्स भी बहुत अच्छे थे जो बात करी वहाँ पर, और उसका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा था और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वो लोग देते हैं इस पर। और उनका एक्चुअली जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी दूर दूर तक है उनकी। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ? कुछ ऐसी दो बातें स्कूल के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? एक पहली बात तो ये कि इनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी दूर तक है, मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने अपनी, मतलब ये स्कूल वाले कई बार बोल देते हैं जैसे हमने शिफ्ट किया है यहाँ पर, तो स्कूल वाले बोल देते हैं नहीं आप अपनी पर्सनल कुछ भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लो, भी हम लोग नहीं इतनी दूर प्रोवाइड कर सकते। तो ऐसा नहीं था, उन लोगों ने जब मैंने उनको एप्लीकेशन दी कि हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो उन्होंने बस उन्होंने बोला कि यहाँ आती है हमारी। और कुछ मैम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? टीचर्स बहुत पोलाइट है, मतलब हर टाइम बात सुनती है। जैसे मेरी डॉटर 8 ईयर्स की है, तो कभी इसको कोई प्रॉब्लम हो तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो स्कूल में ठीक है या नहीं है। तो मैम दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट जहाँ ज़रूरी है आपके हिसाब से? मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता उसमें। 1 से 5 के स्केल में, जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब आप पूरे तरीके से सिफारिश करेंगे, तो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के दूसरे पेरेंट्स को सिफारिश करना कितना पसंद करेंगे? तो 5 बहुत करूँगी सिफारिश। थैंक यू सो मच मैम।